पेरिस ओलंपिक में जैवलिन का मैच हो रहा था, जैवलिन मतलब भाला फेंकना। सभी को उम्मीद थी, या मुझे लगता है पूरे विश्व को उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा इस बार भी गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, लेकिन इस मैच में ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरे बिलीफ सिस्टम को झकझोर के रख दिया। हमें बहुत बुरी आदत है अपने जीवन में एक्सक्यूज़ देने की कि मेरे साथ ये विपरीत परिस्थिति है, मेरे साथ वो विपरीत परिस्थिति है। हुआ ये कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस मैच में गोल्ड मेडल जीता, और ऐसा वैसा गोल्ड मेडल नहीं, उनका जो भाला था, जो जैवलिन था, वो 92.97 मीटर दूर गिरा, और किसी भी खिलाड़ी का, नीरज चोपड़ा का भी 90 मीटर नहीं क्रॉस कर पाया। और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जैवलिन में बहुत अच्छा है और पाकिस्तान ओलंपिक में बहुत अच्छा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1992 के बाद पाकिस्तान का ये पहला मेडल है, और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का पूरे अभी तक के इतिहास का पहला मेडल लेके आए। जब इनकी कहानी आप जानिएगा कि 2015 में इन्होंने जैवलिन की जब शुरुआत की तो उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा खेला, लकड़ी का जैवलिन बना के प्रैक्टिस करते थे, और उसके बाद इन्होंने चंदा इकट्ठा किया अपने गांव में, स्पोर्ट्स फेडरेशन में, सभी जगह चंदा इकट्ठा किया, और उसके बाद इन्होंने एक जैवलिन खरीदा 2015 में, और 2015 से कंटिन्यूस उसी एक जैवलिन से प्रैक्टिस करते आ रहे थे। पिछला ओलंपिक भी आए थे पार्टिसिपेट करने, उसी जैवलिन को लेकर आए थे, और ये जनवरी 2024 में जैवलिन इनका टूट जाता है। 35,000 रुपये का लगभग सबसे जो लोएस्ट क्वालिटी का जैवलिन आता है वो आता है, और उतने पैसे नहीं थे इनके पास कि ये 35,000 रुपये खर्च कर सके। इन्होंने सभी प्लेयरों से अपील किया, सभी खेल फेडरेशन से अपील किया पाकिस्तान में, सभी ने कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया, नीरज चोपड़ा ने भी कुछ उसके लिए अपील किया था इनके लिए, और उसके बाद इनका नया जैवलिन आया। जनवरी 2024 की बात है, फरवरी 2024 में इनको बहुत सीरियस एंकल इंजरी हो जाती है, और ये इतनी सीरियस होती है कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कम से कम 6-7 महीने लगेंगे रिकवरी करने में। उसके बाद भी ये हिम्मत नहीं हारते हैं, ये अपने हौसलों से लगे रहते हैं। कोई स्पेशलिस्ट जैवलिन की कोचिंग नहीं है पाकिस्तान में, कोई टेक्नोलॉजी इनको नहीं मिला, कोई एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटी नहीं मिला, सभी विपरीत परिस्थितियाँ थी। इनको पैसा नहीं था कि ये ओलंपिक में कुछ एक्स्ट्रा कुछ सामान मतलब आ सकें, उसके लिए भी इन्होंने पाकिस्तान जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उससे बहुत अपील किया, और उसके बाद आए। बस एक चीज़ था इनके पास कि इनके पास इनका जैवलिन था, और पूरे दिन में ये 8 से 9 घंटे जैवलिन फेंका करते थे, और उसका नतीजा देखने को मिला कि ये गोल्ड मेडल जीत गए। बड़ी अच्छी लाइन किसी ने कही है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कई खिलाड़ी आए थे वहाँ पे, फिनलैंड के, ब्राज़ील के, और कहाँ कहाँ से आए थे लोग, रसिया के आए थे, जिनको कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिला था। आप वीडियो देखिएगा, उनको इतने एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी से उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वो हार गए, और एक आदमी जो लकड़ी का भाला बना के प्रैक्टिस कर रहा था वो जीत गया। तो एक्सक्यूज़ देना छोड़िए, आपके जीवन में बहुत एक्सक्यूज़ होंगे, एग्जीक्यूशन पे आइए कि मुझे उसी परिस्थिति में सफल होना है, मुझे उसी परिस्थिति में अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ मैं सफल हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। एक बार जोर से बोलिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और देखिए कैसे आप सफल होते हैं।